हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं, अब जो T20 ब्लास्ट के तीनों मैचेस खेलने जाने वाले हैं, तीनों की टीम्स यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं रेगुलर। तो चलिए, जो इससे पहले फ्रेंड जो वुमेंस के तीन मैचेस हैं, दो मैचेस ये हैं और एक मैचेस यहाँ सबसे नीचे जो लास्ट मैच है वुमेंस का, ये तीनों में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हमारी वीडियो में जाके देख सकते हो। बाकी उसके बाद जो TNPL का एकमात्र मैच खेला जाना है, ये भी वीडियो मैं यहाँ पर देख डाल चुका हूँ यूट्यूब। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ इन वीडियो को देख सकते हो और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपकी समझ में आ पाएगा सही से। बाकी मैंने जो यूट्यूबर पर जो यूट्यूब पर जो अधिकतर लोग खाली टीम प्रीव्यू देखने के लिए आते हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि मैंने हर मैच की जो है टीम प्रीव्यू मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया, ताकि वीडियो आपको स्किप करके ज़्यादा आगे ना जाना पड़े। तो अब बात कर लेते हैं जो ब्लास्ट का मैच खेला जाएगा, पहला डरम और वर्चेस्टर के बीच में जो मैच खेला जाएगा, इसकी बात कर लेते हैं। टीम यहाँ पर भी मैं आपको टीम प्रीव्यू पहले दिखा दूंगा, टीम मैंने बना के रखी है। बाकी अगर आप उसके बाद देखना चाहते हो तो वीडियो को देख सकते हो। ये मेरा टीम प्रीव्यू रहने वाला है जो आज का जो डरम का मैच पहले का जाएगा। बैनकॉक हमारे यहाँ विकेट कीपर में रहेंगे, उसके बाद मार्टिन गुप्ते हैं, उसके बाद कॉलिंग फर्गुसन है, उसके बाद पीटर हैंडकॉम है, उसके बाद एलेक्स ली हैं, और उसके बाद यहाँ पे स्कॉट स्टील हैं, और वेनी फाइनल ऑलराउंडर में, और उसके बाद DRC साउथ ऑलराउंडर में। बॉलिंग में मैंने यहाँ पे पैट ब्राउन को लिया, बी क्रेस को लिया और मैट पॉट को लिया। बाकी अगर आपको लगता है इनसे बेस्ट और कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से इनके अलावा बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, तो इस चीज़ को देख जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करिए। जो देखना चाहता देख सकता हो आगे। बाकी जो लोग खाली रिव्यू देख के जाना चाहते हैं वो लाइक वीडियो को लाइक करके प्लीज़ जरूर जाना। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे का, आगे मैच में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। बाकी फ्रेंड अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, ताकि आपके लाइक्स हमें मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं आपके लिए, ये सब चीज़ के लिए। तो अपनी लाइक जरूर कर देना। बाकी फ्रेंड विकेट कीपर की बात कर लेते हैं। बैनकॉक से लिया, यहाँ पे स्टुअर्ट पॉइंटर भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। टॉस के बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे दोनों ही सेम नंबर पे खेलने के लिए आता है, तो आप किसी को भी ले सकते हो, आपके लिए दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। बाकी टॉस के बाद जो होगा टॉस के बाद बताया जाएगा। बैट्समैन में 5 बैट्समैन लिए हैं, क्योंकि ये मैच जो है चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाने वाला है, एक न्यूट्रल विकेट है, कभी कभार अच्छी बैटिंग भी हो जाती है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ देखते हुए मैंने एक बैलेंस टीम बनाने की कोशिश करी। अगर आप इनमें से किसी को हटा के रखना चाहते किसी और को तो रख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा किस किस को आप यहाँ पर रखना चाहते हो रख सकते हो। मार्टिन गुप्टिल को लिया, पीटर हैंडस्कॉम को लिया हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो तीसरे हुए एलेक्स ली को लिया हुआ, और चौथे यहाँ पर कॉलिंग फर्गुसन, और पांचवें यहाँ पर स्कॉट स्टील को रखा है। तो हो सकता है फ्रेंड मैं कॉलिंग फर्गुसन को ड्रॉप कर दूँ, बट अभी नहीं, अभी मैं इसको कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि टॉस के बाद जो रिस्क लेना होगा मुझे, मैं आपको बता दूंगा मैं क्या करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर ऑप्शन आपके पास काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। वेटली हैं, उसके बाद ग्राहम क्लार्क हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई खास ऑप्शन है नहीं, दो ऑप्शन आपके लिए अच्छे खासे हैं यहाँ पे। अगर आप रखना चाहते हो तो इनको रख सकते हो, तीन ऑप्शन आपके पास हैं, अगर आप इनको रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट किसी न किसी पर आपको रिस्क लेके रखना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आपको किस पर रिस्क लेना क्या लेना वो आप जानिए। आपको जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने बता दिया आपको, और जो मैंने ले रखे हैं वो मैंने अपनी एक विनिंग टीम सोच के ले रखे हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि इनसे कोई और परफॉर्म करता है, क्योंकि फ्रेंड ऐसे मैचेस में रिस्क काम आता है, बिना रिस्क के ऐसे मैचेस में विन करना पॉसिबल नहीं है। हेड टू हेड में ना थ्री मेंबर में और ना ही ग्रैंडिंग में तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, बट हेड टू थ्री मेंबर लीग में भी यहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर मैंने दो ऑलराउंडर लिए, जैसे कि मैंने पहले दिखा दिया प्रीव्यू, मैंने दो ऑलराउंडर ले लिया। बाकी यहाँ पर आपको बता दूंगा कौन कौन से आपके लिए बेस्ट रहने वाले। और फ्रेंड अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, अगर नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर कर दिया हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेटेड टीम्स मिलती है टॉस के बाद। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। हो सकता है फ्रेंड आज थोड़ा बिजी हो जाऊँ, क्योंकि त्यौहार है, तो फिर इस वजह से हो सकता है बिजी हो जाऊँ तो आपको सारी टीम्स नहीं मिल पाए, बट कोशिश करूँगा यहाँ पर आपको कि सारी की सारी टीम यहाँ पर प्रोवाइड करूँ। तो चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर जो मुझे दो बेस्ट लगे वो मैंने रख लिया, DRC शॉट है और वेनी पैनल है, क्योंकि वेनी पैनल जो है बॉलिंग तो कराता है, बॉलिंग में इनको मार जरूर पड़ती है, बट ये बैटिंग में ठीक ठाक ऑर्डर पर आ जाते हैं, और यहाँ पे अब जैसा आपने इनके लास्ट मैचेस देखे होंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेनी पैनल को रखा। बाकी यहाँ पे आप रख सकते हो डेल मिचेल को, सकते हो बैट डी ओलबीरा को रख सकते हो, और यहाँ पर ट्रेस्किस जो हैं यहाँ पर इनको रख सकते हो। बी रेन पर तो मेरे को बिल्कुल विश्वास उठ चुका है, अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, बाकी ट्रेस्किस यहाँ पर एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये थी बात फ्रेंड ऑलराउंडर की। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड बॉलर्स की। उससे पहले फ्रेंड अगर आप लोग प्लेयर स्पॉट में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करके साथ ही में रेफरल कोड मिलेगा जिसे यूज करके बोनस ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे खेलना क्या खेलना तो क्या पॉइंट सिस्टम है, ये सब कुछ के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा प्ले स्पॉट में क्या सिस्टम है। तो फ्रेंड उसकी भी हम टीम देने की कोशिश करते हैं यहाँ पर पूरी आपको टेलीग्राम चैनल पर, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इस वजह से मैं यहाँ पर वीडियो में प्ले स्पॉट को आपको नहीं दिखाता। तो चलिए बात कर लेते हैं बॉलर्स की। बॉलर्स में जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रख लिए हैं, बाकी
आप रखना चाहते तो मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा, पैट ब्राउन को लिया, मैट पॉट को लिया, उसके बाद यहाँ पे बी क्रेज को लिया। फ्रेंड आपके पास क्रेडिट है 8.5 के बॉलर, जॉय लीच जो है काफ़ी अच्छे बॉलर, इनके परसेंटेज देखोगे फ्रेंड आप काफ़ी कम होगी। बाकी टॉस के बाद मैं इनको देखूंगा क्या करना होगा, मुझे रखना है नहीं रखना, क्योंकि काफ़ी अच्छे बॉलर दिखे फ्रेंड 21% है। जिन लोगों को पता है अच्छे बॉलर उन्होंने रखा हुआ है, आगे टॉस के बाद देखते हैं क्या होता है, रखना नहीं रखना तभी रखूंगा क्योंकि जब इनकी तरफ से बॉलर्स कम होंगे, क्योंकि बॉलर्स इनके तादाद बहुत ज़्यादा है, कोई भी बॉलिंग कराता है तो यहाँ पर इनके बॉलिंग्स मिलने के कम चांसेस होते हैं। तो अगर रखना चाहता है रेमिंगटन खेलने वाले इनको रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कोई खास ऑप्शन है नहीं, एडी बर्नर्ड है, रॉड्स हैं, पेनिंगटन है, अगर पेनिंगटन को रखना है तो पेनिंगटन को आप रख सकते हो। तो ये रहेंगे हमारे बॉलर्स हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के लिए। बाकी ग्रैंड लीग के लिए आप अगर ट्राई करना है जॉय लीच काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर ईडी बर्नर्ड जो बहुत मार खाते हैं, बट जब विकेट ले जाएंगे दो तीन विकेट से कम नहीं ले जाने वाले, उस दिन ये रन भी कम देंगे, तो हो सकता है वो आज ही का मैच है, तो फिर ग्रैंड लीग में इनको आप रख सकते हो, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी कैप्टन वैसे में बात कर लें, डीआरसी शॉट और मार्टिन गुप्टिल दुनिया के रहने वाले हैं, अगर आप भी इनके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो। बाकी आप थोड़ा सा रिस्क, क्योंकि डीआरसी शॉट जो है बहुत खेलते हैं, बड़ा खतरनाक ही खेलते हैं और बॉलिंग भी कराते हैं, तो दो एक विकेट ही ले ही जाते हैं, तो इसलिए कैप्टन के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मार्टिन गुप्टिल बॉलिंग वगैरह कुछ नहीं करते, तो ये वाइस कैप्टन के लिए ज़्यादा बेटर है, या तो मार्टिन गुप्टिल या फिर स्कॉट स्टील या फिर यहाँ से आपके पीटर हेंसगम और कॉलिंग फर्गुसन, काफ़ी अच्छे ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए, काफ़ी ऑप्शन है आपके पास, और आपको इन्हीं में से चूज करना है। इनके अलावा आपको ग्रैंड हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में नहीं जाना है। तो ये रहेगी हमारी हेड टू हेड ग्रैंड लीग की टीम, और साथ ही मैं कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर आप हमारी टीम से सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये टीम विन कर सकती है तो फ्रेंड तभी इस टीम से जाएं, अदरवाइज अपना एक या दो चेंज आप खुद से एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज टाइम कम है, मैच ज़्यादा है, तो वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, बाकी वीडियोज भी आपको देनी है। बाकी इन मैचेस के लिए सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।